दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम हाई स्कूल के टेंथ का मैथ का सॉल्व लेकर आए हैं जो चैप्टर वाइज होगा। हम चैप्टर वाइज एक एक करके स्टार्ट करते जाएंगे, या जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको, उनके सारे अध्याय को हम हल करते हुए जाएंगे। तो आज हम सबसे पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे और उसका सॉल्व देंगे। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और अपना मैथ में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, इसे समझना चाहते हैं कैसे कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे सवाल का हल आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, और अच्छी तरह समझाएंगे हम, स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे आपको। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो नहीं, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो नहीं लाइक करिए। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक सूचना देते हैं कि अगर आपको किसी भी कंप्यूटर कोर्स संबंधी वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करिएगा, हम उसकी बनाएंगे। पर सबसे पहले हम हाई स्कूल की मैथ की क्लास चला रहे हैं, उसके बाद इंटर्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, पर मैथ का क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ का सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हमने एडिट किया है गणित कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं आपका पहला पार्ट है, और इसमें का पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपका SCF ज्ञात करना है। SCF वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, इसमें कि आपका जो छोटी संख्या होती है उसमें मल्टीप्लाई इतना बार कीजिए जो बड़ी संख्या हो वो उससे ज़्यादा ना हो, उससे अधिक ना हो। बहुत सिंपल ट्रिक है कि आपको बड़ी वाली संख्या से अधिक ना हो, जो छोटी वाली संख्या हो इतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए कि उसे अधिक ना हो। फिर जो शेष आता है उसमें इतनी बार मल्टीप्लाई कीजिए जो जिसमें गुणा किए थे, ऐसे नेक्स्ट करके आता रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे कैसे क्या करना। पहला है आपका ये 135 और 225। तो 135 में आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 225 से अधिक ना हो। तो हम नॉर्मल सी बात है कि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। हम एक बार मल्टीप्लाई किए प्लस 90 जोड़े तो हमारा हो गया। अब अगली बार इसमें क्या करेंगे कि 90 आपका शेषफल आया है, तो 90 में हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 135 आ जाए, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और 135 होने के लिए आपको 45 ऐड करना पड़ेगा, यानी 45 आपका शेषफल आएगा आपका, जो कि टोटल लिखा गया है यहाँ पर। आप सारा चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आपको जो 45 है, 45 को मतलब इतनी बार मल्टीप्लाई करना है कि 90 आ जाए। तो नॉर्मल सी बात है, 45 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यूक्लिड का विभाजन नियम वो होता है कि आप लास्ट में शेषफल जो है आपका जीरो जब तक ना हो जाए तब तक हम उस प्रक्रिया को चलने देते हैं, जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसको, जैसा कि क्योंकि अब यहाँ पर शून्य हो गया है यहीं पर रोक देंगे इस प्रोसेस को। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन होता है। तो इसी तरह 196 और 38,220 है, जैसा कि आपको हल किए आप सामने देख सकते हैं। 196 में हम 195 बार गुणा करेंगे तो प्लस जीरो करेंगे तो एक ही बार में आपका आ जाएगा, तो यहीं पर प्रक्रिया रोक देंगे, जैसा कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर, आपको एक ही प्रक्रिया में आ गए। तो इसका SCF आपका क्या हो जाएगा, 196, इसलिए कि 196। और जो लास्ट में कटता है यानी जिसमें लास्ट बार मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका SCF हो जाता है यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो इस तरह से आपका 867 और 255 है तीसरा, इसको भी हम मल्टीप्लाई उसी नियम से करेंगे। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जैसा कि ये नेक्स्ट पेज है। अब इसमें है आपका 255 लाना है, 102 में हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 255 से अधिक ना हो, तो हम 51 ऐड करेंगे तो 255 हो जाएगा, इसलिए इससे 51 आ जाएगा। और 102 अभी अब उसको हम पूरा करेंगे, 51 से दो बार गुणा करेंगे और प्लस जीरो करेंगे तो आपका 201 हो जाएगा। इस तरह से यही प्रक्रिया रोक देंगे।
तो ये चीज़ है यूक्लिड का विभाजन का नियम, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो हमने इसको बताया, बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप बड़ी वाली संख्या को लाना है, छोटी वाली संख्या जितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए कि वो शेषफल जीरो हो जाए। नहीं होता तो शेषफल आपका जो बचा रहे उसको रखिए, उसको अगली बार वो आपका कहने का मतलब जो भाज के रूप में रख लेना है, उसके बाद आपको इतनी बार मल्टीप्लाई करना है उसमें कि आपका शेषफल जीरो हो, जब तक नहीं हो जाता तब तक चलने देते हैं। तो नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है, जो कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये दूसरा प्रश्न दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और बी, इस तरह की संख्या आपको दिखाई गई है। उसके बाद आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा आपको करना है, तो ए बराबर 6q+r, जहाँ क्यों आपको दिखाया गया है कि क्यों बड़ा है, कहने का मतलब जीरो से और बराबर भी हो सकता है इस तरह से, और r जो है आपका बराबर जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपका, क्योंकि जीरो जो है वो आपका r से छोटा है कहने का मतलब, और बराबर भी हो सकता है, और r बड़ा होगा वो r छोटा होगा किससे, 6 से। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरह, ये आपका फुल स्टॉप इनके मतलब वो एग्जाम जो लगता है उस तरह का लगा दिए हैं इसको, आप कोई अंक मत समझिएगा। और फिर नीचे आपका ये दिया गया है आपका टोटल इस तरह से हल होगा, इसको पढ़ने में हमको टाइम लगेगा, इसलिए आपको इसका स्क्रोन आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इसको जहाँ कहीं भी समझ में आए उसको बता दीजिएगा, हम बताएंगे। तो वही यूक्लिड का विभाजन का नियम है टोटल कहने का मतलब, और सारी चीज़ें वही हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उन स्तंभों की संख्या के लिए आपको SCF निकालना है, यानी मतलब आप SCF निकालेंगे, और SCF निकालने के लिए जो आपका 616 है और 32 है इन सबका SCF से यूक्लिड विभाजन द्वारा अगर करेंगे तो हमारा जीरो प्राप्त हो जाएगा, और लास्ट में जीरो लाने के लिए हमें SCF 8 होगा, कहने का मतलब आपको देखिए 616 लाना है तो 32 में 19 बार मल्टीप्लाई किया प्लस 8 ऐड किया, मतलब कि शेषफल 8 आया, अब 8 को इतनी बार मल्टीप्लाई किया 32 से 4 बार गुणा किया प्लस 0, यानी जीरो आपका शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल जीरो आ गया, तो आपकी बार कितनी बार मल्टीप्लाई किए थे, किस में 8 में किए थे, तो 8 आपका SCF आ गया, तो इसलिए 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं, यानी 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। आप SCM निकाल सकते हैं दूसरे विधि द्वारा, पर इसमें कहा गया कि यूक्लिड के विभाजन द्वारा करना है, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा करना है। उसके बाद चार नंबर है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई गई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको आप हल करने के लिए हमको संकेत दिया गया है, जो यहाँ पर इस तरह हल कर लेंगे, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह सबका कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद आप तब यह 3q+1 या 3q+2 इस रूप में लिखा जा सकता है, कहने का मतलब, और इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए, दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3+1 में लिखा जा सकता है। तो ये संकेत आपका दिया गया है, हम इसका आंसर लाते हैं किस तरह से, देखिए जैसे कि आपको मान लेना कोई पूर्णांक ए है और बी है, तो यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम द्वारा हमको करना है, सारा प्रोसेस वही है। अब इसको हम पढ़ेंगे तब वीडियो लंबा चला जाएगा, इसलिए आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर समझ नहीं पाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर वही दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे बाद में। तो पहले आपको अपनी तरफ से समझ लेना है, बड़ा है नहीं तो हम समझा देते, क्योंकि ये भी वीडियो लंबा जाएगा और आप सबको परेशानी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या सेम वही क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहा है जो आया अभी 9m+1 या 9+8 के रूप में होता है, तो सारी प्रोसेस वही है, आपको हल करना है उसी तरह है,
आप इसको देख लीजिएगा, अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपना हल कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट करिए, हम पीडीएफ डाल देंगे, तो आप सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो आपका था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, और ये पहला अभ्यास था। हम दूसरे अभ्यास मतलब 1.1 था, अब उसके बाद हम आपको 1.2 जो कहने मतलब इसके नेक्स्ट अभ्यास जो है आपके बुक में एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल में जो है अगला नेक्स्ट अभ्यास लेकर हम बहुत जल्दी आएंगे। बस आप तब तक हमारे वीडियो को देख के लिए कंटिन्यू करिए, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप अपने किसी भी हाई स्कूल के फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसका भी लाभ हो सके और हमारे चैनल का भी ग्रोथ हो सके। आप जैसा भी चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, और जिसको अच्छा लगा हो कमेंट भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पर भद्दा कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चैनल को छोड़ के जा सकते, वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक किसी भी वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द ही लाएंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अगर नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा, और वीडियो के प्रति जो भी सुझाव है उसे कमेंट में दे दीजिएगा, और हम और कैसी वीडियो बनाएं उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो हम आज अध्याय का 1.1 लेसन का, यानी पहले अध्याय का हम 1.1 लेकर आए थे, तो इसके बाद 1.2 लेकर आएंगे हम, जल्द ही क्रमशः वीडियो लाते रहेंगे एक एक करके। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स हो जो भी हाई स्कूल में हो, इंटर में भी हो, एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम आपको देंगे, और वीडियो को हम प्रोवाइड कराएंगे, हर चीज़ इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे परीक्षा करीब आता जाएगा हम सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देते रहेंगे और वीडियो को आपको पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको टेक्निकल और मोबाइल संबंधी वीडियो भी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियो चाहिए, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, तो उसकी भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली नेक्स्ट वीडियो 1.2 के लिए आप तैयार रहिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा के और यहाँ पर जुड़ा करके लेकर आइएगा, हम आपको ज़रूर समझाएंगे बताएंगे। अगर जो भी दिक्कत हो, जो भी कमी हो, उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।